देखे दोस्तों काफी अच्छी बड़ी कावर है यहाँ। काफी सारे श्रद्धालु कावड़ उठा के अपने स्थान लेकर जा रहे हैं। देखे दोस्तों कितने खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर कावर हैं, देख सकते हैं। काफी सारे कावड़ हैं यहाँ पर, देख सकते हैं दोस्तों काफी विशाल विशाल कावर हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं हरिद्वार और अभी चल रहा है सावन का महीना और देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है। तो ये देखिए सामने है नाई घाट हमारा और अभी हम खड़े हैं संजय पुल पे और पीछे देखिए दोस्तों घंटाघर है और इस साइड देखिए दोस्तों मंदिर है हमारे। और दोस्तों देख सकते हैं काफी बारिश होने के बाद यहाँ पे फिर भी अभी भी काफी भीड़ है, देख सकते हैं और काफी सारे लोग आए हुए हैं। तो अभी हम जाने वाले हैं घंटाघर की ओर, तो आप सभी को घंटाघर का व्यू दिखाने वाले हैं। पीछे देख सकते हैं दोस्तों इस साइड देखिए काफी सारे मंदिर हैं और इधर देखिए दोस्तों ये है घंटाघर, अभी यही जाने वाले हैं। देखिए कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी लेके चलते हैं आप सभी को घंटाघर की ओर। और दोस्तों अभी हम खड़े हैं संजय ब्रिज पर और अभी हम जा रहे हैं घंटाघर की ओर। और दोस्तों सामने हमारा धनुष पुल है, देख सकते हैं काफी लंबा पुल है। सर यहाँ पे खड़े हैं, देखिए दोस्तों काफी सारे कावरिया आ रहे हैं यहाँ। देखिए दोस्तों कितने सारे कावरिया नीचे हैं और देखिए दोस्तों काफी सारे श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं। अभी गंगा स्नान करने के बाद ये सारे के सारे श्रद्धालु गंगा जल इन कावड़ में लेकर अपने स्थान जाएंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों घंटाघर की ओर नीचे, देखिए कितने सारे कावड़िया जा रहे हैं कावड़ लेके नीचे। देखिए दोस्तों बहुत ही भीड़ है यहाँ पर। देखिए दोस्तों कितने सारे कावर हैं यहाँ पर। काफी विशाल विशाल कावर भी है, देखिए दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों यहाँ कितनी भीड़ है, कितने श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। अभी आप सभी को लेकर चल रहे हैं घंटाघर की ओर। और अपने दिए दान की टेबल से रसीद अवश्य प्राप्त करें। आपके दिए दान से ही अपनी पूरी का सेवा धर्म का ये चलाया जाता है। टेबल पर आकर ही अपना दान दें और दिए दान की टेबल से रसीद प्राप्त कर यश और पुण्य के भागी बने। पूरी श्री गंगा सभा रजिस्टर हरिद्वार की ओर से दी जा रही है, धन्यवाद। Oh, my God.
चल रहे हैं दोस्तों सामने की ओर, वहीं से आप सभी को घाट का नजारा दिखाते हैं। देखिए दोस्तों सामने है महिला घाट, काफी भीड़ है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितनी भीड़ है, कितने सारे श्रद्धालु यहाँ कावड़ लेने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर वैसे पानी का महत्व देख सकते हैं, काफी लोग अपने पैरों पर पानी इनकी कमर तक भी नहीं है। देखिए दोस्तों पानी यहाँ पर बहुत कम है, अंकल भी पानी के बीचों बीच खड़े हैं और पूरा खड़े हैं देख सकते हैं, और पानी उनकी कमर तक है, तो यहाँ पर पानी बहुत कम छोड़ रखा है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों सामने की घाट की ओर। सभी श्रद्धालु होंगे शरीर जो दिल्ली के आने वाले हैं, जिसमें सभी साथी उनमें से एक नाम छोटू का, उनसे अलग अलग बोलते हैं छोटू निधि सवाल को कहीं भी सुनिए तुम भक्ति कर दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं काफी खूबसूरत खूबसूरत कावड़ है, छोटे हैं बड़े हैं। और अब दोस्तों सामने वाले घाट की ओर लेकर चलते हैं आप सभी को, वहां का भी दृश्य दिखाते आप सभी को। देखिए दोस्तों काफी अच्छी बड़ी कावर है यहाँ, काफी सारे श्रद्धालु कावड़ उठा के अपने स्थान लेकर जा रहे हैं, और अपने स्थान के पास मंदिर में इस गंगा जल को हमारे शिव भगवान जी को चढ़ाएंगे। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों काफी खूबसूरत खूबसूरत कावर है। और सामने देखिए दोस्तों हमारे भोले बाबा जी हैं। देखिए दोस्तों इस साइड के घाट का भी काफी खूबसूरत नजारा है। और सामने हमारे शिव भगवान जी हैं देख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों वापस से उस साइड उधर। देखिए दोस्तों काफी बारिश हुई थी इसीलिए पूरी यहाँ की जमीन गीली हो चुकी है, और मौसम भी देख सकते हैं दोस्तों काफी सुहाना मौसम है। दोस्तों ये है भागीरथी सेतु और सामने है नाई घाट।
इधर से भर रही है। तो इस साइड है हमारी भागीरथी सेतु, तो इसके ऊपर चलते हैं और आप सभी को इसके ऊपर से हमारी गंगा मैया का रूप दिखाते हैं। साइड देखिए दोस्तों, ये है नाई घाट और यहाँ पर भी देखिए कितने सारे श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों पानी की जलधारा कितनी तेज है। और देखिए दोस्तों काफी भीड़ है यहाँ पर। देखिए दोस्तों कितने खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर कावर हैं, देख सकते हैं। काफी सारे कावर हैं यहाँ पर, देख सकते हैं दोस्तों काफी विशाल विशाल कावर हैं। दोस्तों देखिए काफी सारे श्रद्धालुओं ने गंगा जल को उठा लिया है और अब जा रहे हैं अपने स्थान की ओर। अब अपने स्थान के मंदिरों के पास जाके ये इन गंगा जल को हमारे भोले बाबा जी को चढ़ाएंगे। और देखिए कितने काफी सारे श्रद्धालुओं ने गंगा जल को यहाँ से उठा लिया है और अब जा रहे हैं अपने स्थान पर और वहाँ जाकर ये इस गंगा जल को अपने घर के पास के मंदिर में इस गंगा जल को चढ़ाने वाले हैं। दोस्तों देख ही सकते हैं यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। देखिए ये शिव सेतु है जिसके ऊपर अभी हम खड़े हैं और यहाँ पर देखिए दोस्तों नाम भी लिखा हुआ है, इसको शिव सेतु कहा जाता है। पुल के ऊपर से यहाँ का व्यू कितना ही खूबसूरत है, देख सकते हैं। और देखिए हमारी गंगा मैया कितनी ही खूबसूरत नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों यहाँ का। और ये थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें, और ये देखिए दोस्तों हमारे भोले कांवर लेके अपने स्थान जा रहे हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और देखिए दोस्तों वहाँ पर हमारे भोले बाबा जी, वहाँ है हमारा घंटाघर और ऊपर है हमारी मनसा देवी माँ। कहाँ है दोस्तों, वैसे कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि बादल ने पहाड़ों को घेर रखा है, लेकिन कुछ भी कहो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और सामने देखिए दोस्तों शिव घाट है और शिव घाट पे भी काफ़ी सारे श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में यहाँ से भी कावड़ को उठाएंगे और अपने स्थान की ओर रवाना होंगे। और काफ़ी सारे श्रद्धालुओं ने तो कावड़ उठा भी ली है और अपने स्थान की ओर रवाना हो भी चुके हैं दोस्तों। और सामने भी घाट देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। ये देखिए दोस्तों दुकान है, यहाँ से आप बोतल वगैरह ले सकते हैं और गंगा जल अपने घर ले जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितने सारे श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं और देखिए कितने सारे कांवरिया हैं जो कि अभी यहाँ स्नान करने के बाद गंगा जल लेके अपने कांवर में लेकर अपने स्थान जाएंगे और अपने स्थान के मंदिरों में इस गंगा जल को शिव जी को चढ़ाएंगे। तो
देखिए दोस्तों कितने सारे लोग कावड़ लेके जा रहे हैं और देखिए बारिश हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस वीडियो की, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप सभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। अब हम आप सभी को मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में।